हाय आई एम अहमद भट्टी। हाय आई एम अहमद भट्टी, आई एम वर्किंग एज एन एससी हेयर एट डेवसिंग। हाय आई एम ज़ाहिद यूसुफ, आई एम वर्किंग एज एन एससी हेयर एट डेवसिंग एंड यू आर वॉचिंग मोस्ट लाइकली टू। सो आई गेस ही इज़ अहमद भट्टी, क्योंकि अहमद भट्टी जो है ना ये ना प्रॉब्लम्स के पीछे से निकल जाता है और किसको पता भी नहीं चलता, तो ये चीज़ जो है ना ये सीखनी चाहिए इनसे, तो कोई सीखे इनसे सीखे। आई गेस दिस इज़ ज़ाहिद बिकॉज इसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। ऑब्वियसली अहमद भट्टी आप देख सकते हैं कि ज़ाहिद इसके जॉक्स अच्छे होते हैं, बातों में से बात निकाल के जुगत लगाना इसे सीखे। सो दिस इज़ ज़ाहिद बिकॉज ज़ाहिद का गेमिंग चैनल भी रहा है, जीता नहीं आज तक कोई। हाँ उसमें ये था बस, मैं उसमें वीडियोस डालता रहता था, कभी जीता नहीं बट फिर भी मेरा चैनल चल रहा था। आई थिंक इट्स अहमद भट्टी, क्योंकि ये जो है ना ये काफ़ी घूमता फिरता है और रिसेंटली इसने कराची का ट्रिप लगाया, तो जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा और वहाँ से ये अपना मोबाइल बचा के वापस लेके आया। तो आई थिंक अहमद भट्टी। सो ज़ाहिद बिकॉज मैन वर्सेस वाइल्ड की टेक्निक्स आती हैं, बट आई गेस चैट जीपीटी तो होगा नहीं वहाँ पे, कैसे एस्केप करोगे? कर लेंगे एस्केप कर लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। नहीं मुझे थोड़ा सा हाइट से है फोबिया, बाकी प्रोजेक्ट में मुझे प्रोडक्शन से बड़ा फोबिया, उससे बड़ा डर लगता। आई थिंक ये अहमद भट्टी होगा, क्योंकि अहमद भट्टी एक तो मीम्स बनाता भी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इसके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होना और इसने एक बहुत ही अच्छी मीम बन जाना, जैसे भूपेंद्र जोगी वाली थी। मेरा ख्याल है कि ये भी अहमद भट्टी होगा, क्योंकि इसको थोड़े से रास्ते वगैरह याद नहीं रहते और ये जाने सुनता नहीं है जब तक इसको बिल्कुल सामने से कोई जाके छेड़े ना कि भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तब तक इसको कोई नहीं होता। इंट्रोवर्ट से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, कहीं भी भेज दो हम अपनी दुनिया वही बना लेंगे।